उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस आज मोराबाद स्थित गांधी मूर्ति से मार्च कर राजभवन का घेराव करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर केंद्र सरकार की मनमानी रोकने की मांग करेगी। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। हद तो यह हो गई कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। वहां मौजूद पत्रकारों को भी जमकर पीटा गया। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस इस पूरी घटना की निंदा करती है। दरअसल कांग्रेस परिवार को ईडी की कार्रवाई से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, उस लोकतंत्र को बचाने का समय आ गया है और इसलिए 11 बजे राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा है और हम लोग महात्मा गांधी की जो मोराबादी में बापू वाटिका है वहां से अहिंसात्मक तरीके से अहिंसा के सिद्धांत पे बापू के सिद्धांत पे चलते हुए गॉडसे के वंशजों को करारा जवाब देने के लिए निकलेंगे और राजभवन में जा करके राजभवन के सामने ये बात रख करके महामहिम के माध्यम से हम अपनी बात केंद्र सरकार को पहुंचाएं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज कांग्रेस का राजभवन मार्च और ईडी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आज क्या कुछ कार्यक्रम तय है? जी, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से। पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ हुई है और 3 दिनों की यदि बात करें तो लगभग 27 घंटे राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की है, जिसका विरोध आज कांग्रेस ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के जो नेता हैं वे पहुंचे हैं मोराबादी और मोराबादी मैदान से ही वे आज राजभवन मार्च करेंगे यहाँ से। और जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, इसको लेके यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कल की यदि बात करें तो कल दिल्ली में जो कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, उसका भी विरोध आज यहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। किस चीज़ को लेके आज विरोध? वो पूरे लोग पहुंच गए हैं, हम लोग का देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी कांग्रेस के वे मौजूद हैं। महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पे और यहां से वे सीधे राजभवन कूच करेंगे। क्या डिमांड कर? आज पुलिस को आगे करके केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय में पुलिस को भेजना एक तानाशाही रोलेट एक्ट को हाथ दिलाता है। आज देश हमें लग रहा है कि राजतंत्र के तरफ बढ़ रहा है, गुलामी के तरफ बढ़ रहा है। यदि मुख्य विपक्षी पार्टी के ऊपर यदि ऐसा घृणित काम केंद्र सरकार के द्वारा मोदी शाह के द्वारा किया जा रहा है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं, देश लग रहा है कहीं कहीं गलत हाथों के सत्ता गलत हाथों में चला गया है। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी मेहता, हजारीबाग। क्या लग रहा है 3 दिनों से राहुल गांधी से जो पूछताछ ईडी के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी में जो हिम्मत है, साहस है और ईमानदारी है, अपने दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो इसमें एक व्यक्तित्व है, यह किसी ईडी उडी से डरने वाले नहीं है। कितनों पूछा पूछी करे, नेशनल हेराल्ड जो है राष्ट्रीयता का प्रतीक है। देश की आज़ादी में हमारे महान विभूतियों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, एक से एक महान नेता जो राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपने को निछावर किया देश की आज़ादी में, उस समय का ये आवाज़ बुलंद करने वाला नेशनल हेराल्ड पेपर है और उसको लेकर के इस तरह का जो बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी का देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि किस तरह भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार घृणित काम कर रही है और कांग्रेस के ऊपर हर तरह का जुल्म ढाने का काम कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरह ईडी पूछताछ कर रही है, क्या कहेंगे? हम तो एक ही बात जानते हैं कि तेरे ईडी से डर जाए ऐसा राजीव का लाल नहीं, वो इंदिरा का पोता है, अंग्रेजों का दलाल नहीं।
एक ही बात बोल के हम आपको समाप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं आज पहुंचे हैं यहां पे और यहां से सीधे वे राजभवन मार्च करेंगे। और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और जो कल कार्रवाई जो कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई है उसके विरोध में आज यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ से सीधे राजभवन मार्च करेंगे और महामहिम के मार्फत वे जो एक संदेश है वह राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं कल दिल्ली में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी कार्यालय में भी घुस के लोगों को पिटाई की गई है, उनकी अरेस्टिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला उसके विरोध में है। और आज यहां से जो कार्यकर्ता हैं वे निकलेंगे राजभवन तक और राजभवन मार्च होगा और सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे इसमें मौजूद रहेंगे। और लगभग 11 से 11:30 बजे का समय रखा गया है और 11:30 के लगभग ही जो कार्यकर्ता हैं यहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के लिए रवाना होंगे। जी संदीप, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है, बीजेपी भी कई बात कह रही है कि आखिर भ्रष्टाचार के मामले में ईडी का काम है पूछताछ करना, तो इतना हायतौबा क्यों मचा हुआ है। बहरहाल जब राज्यपाल के पास पहुंचेंगे क्या अनुमति है या फिर पुलिस की जो तैनाती है वो भी की गई है, क्योंकि कई बार अमूमन ऐसा होता है कि राजभवन घेराव के वक्त वहां जाने तक नहीं दिया जाता है, तो क्या तैयारी है और प्रशासन की भी मौजूदगी क्या रहेगी। जी हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुलिस प्रशासन है आपको दिखलाना चाहेंगे, यहाँ पे लोगों को लगाया गया है जरूर कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि राज्य में कांग्रेस की गठबंधन सरकार है तो ऐसे में इनको रोकने की जो है कोशिश शायद प्रशासन की ओर से नहीं होगी, क्योंकि यह जानकारी पहले से ही जिला प्रशासन को दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पहुंचने लगे हैं। हालांकि यह पूरा कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू होगा और 11:30 बजे जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं यहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचेंगे और राजभवन में कहीं ना कहीं अपना जो शिकायत है उसे दर्ज कराई जाएगी। साफ प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही साफ कर दिया था कि जिस तरह से जो संस्थाएँ हैं उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और बीजेपी के द्वारा है इस तरह के जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं हर एक जगह पर, चाहे ईडी से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे डरने वाला नहीं है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी को लेके आज यह विरोध प्रदर्शन है और यह राजभवन तक का जो कांग्रेस का मार्च है वह निकलेगा। हालांकि अब जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे लोग जुटने लगे हैं, 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं दूर दराज से भी पहुंच रहे हैं और सभी जगह ऐसा आज जो विरोध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वह रखा गया है और इस विरोध प्रदर्शन में जितने भी जो सीनियर्स कांग्रेस के नेता हैं वे भी शामिल होंगे। जी चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी हो रही है राजभवन घेराव की और राज्यपाल से मिलकर तमाम बातों को कांग्रेस की तरफ से रखा जाएगा।